पंचनामा देख रहे हैं, बात कर लेते हैं मूसेवाला मर्डर केस को लेकर। देखिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के करीब दो महीने बाद एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने लॉरेंस बिश्नोई को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। मूसेवाला की हत्या के बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कनाडा से एक कॉल आया था जिसमें कहा गया मिशन पूरा हो गया। दावा है कि कनाडा से सतवीर नाम के शख्स ने लॉरेंस को फोन करके मूसेवाला के मर्डर की जानकारी दी। इस फोन कॉल को इंटरसेप्ट किया गया तो पूरे खेल से पर्दा उठ गया। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल पंजाब पुलिस की रिमांड पर है। दो दिन पहले ही अमृतसर ने मूसेवाला हत्याकांड के दो शूटर को एनकाउंटर में ढेर किया था। खबर अब दिल्ली से। दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर बीजेपी और केजरीवाल सरकार आमने सामने है। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई शराब नीति पर सीबीआई जांच की सिफारिश की है। एलजी ने कहा है कि केजरीवाल सरकार की इस नई नीति में नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसमें केजरीवाल सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि इस नई शराब नीति से मंत्री मनीष सिसोदिया के स्तर तक वित्तीय फायदा मिला है। सिसोदिया के आदेश पर शराब कारोबारियों को 144 करोड़ की छूट मिली है। रिश्वत और कमीशन लेकर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया है। कैबिनेट को भरोसे में लिए बिना ही मनीष सिसोदिया ने फैसला लिया। एलजी और कैबिनेट की मनाही के बावजूद गलत ढंग से फैसले लागू किए गए। बता दें कि आप सरकार में एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के पास ही है। मनीष सिसोदिया ने इन आरोपों को बीजेपी की साजिश बताते हुए ट्वीट पर लिखा है कि मोदी जी केजरीवाल से डरते हैं, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन कोई भी जेल आम आदमी पार्टी के प्रभाव को बढ़ने से रोक नहीं सकती है। देखिए ये घमासान यहीं पर नहीं रुका, शराब नीति पर चल रहा ये सियासी घमासान अब सावरकर तक पहुंच गया है। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति पर केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच खींचतान शुरू हो गई है, तो दूसरी ओर आप और बीजेपी में भी जुबानी जंग तेज हो गई है। अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं, हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। वाली नहीं गई, पंजाब संभाला जा नहीं रहा है, सिर्फ ठेके खोलना चाहते हैं। ठेकेदार की सरकार बन चुकी है, तो आम आदमी पार्टी का नाम बदल के ठेकेदार की सरकार कर दें। आगे बढ़ते हैं मौसम से जुड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं। बिहार का रोहतास जहां पर बाढ़ बारिश को हल्के में लेना लोगों को भारी पड़ गया। कहीं कच्ची दुकानों में बाढ़ का पानी घुसा तो कहीं गाड़ियां बाढ़ के पानी में फंस गई। बाढ़ की बर्बादी की ये तस्वीर बिहार के रोहतास की है जहां गुप्ता धाम में बारिश के बाद अचानक सैलाब सड़कों पर बहने लगा। दरअसल गुप्ता धाम के पास सीताकुंड में बारिश ना होने की वजह से जलस्तर काफी नीचे चला गया था, जिसके बाद लोगों ने सीताकुंड के आसपास दुकानें लगा ली थी, लेकिन बारिश के बाद अचानक आए सैलाब ने इन सभी दुकानों को तबाह कर दिया। पानी के रास्ते में अवैध निर्माण का नतीजा कितना भयानक होता है ये इस बात का सबूत है। अगली खबर भी मौसम से ही जुड़ी हुई है। एमपी के भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी जो है उफान पर है। नर्मदा नदी के बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई चिंता। एमपी के डिंडोरी में उफान मारती नर्मदा नदी के रास्ते में जो कुछ आ रहा है सब नदी में समा जा रहा है। अमरकंटक के आसपास के पहाड़ी इलाके में भारी बारिश के बाद नर्मदा किनारे बने मंदिर और घाट पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने नर्मदा नदी के तटों पर होमगार्ड के जवानों को तैनात किया है। मूसलाधार बारिश के बाद एमपी के सतना में भी हालात बिगड़ गए हैं।
यहां 4 घंटे की बारिश के बाद कुंड और झरनों का बढ़ा जलस्तर आश्रम में घुस गया। दरअसल झरने और कुंड के बीच बने होने की वजह से इस आश्रम में हर साल कुछ इसी तरह पानी भर जाता है। एमपी के भिंड में तो केवल आधे घंटे की बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया। गलियों में घुटनों तक पानी भरने से लोगों के घरों में पानी घुस गया। लोगों का आरोप है कि नगर परिषद की ओर से जल निकासी का इंतजाम ना करने की वजह से हर साल बारिश के बाद ऐसे ही पानी भर जाता है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।